हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हिटमैन्स वाइफ बॉडीगार्ड फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में, जो फाइनली आ गए हैं। और इस रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये फिल्म क्रिटिक्स को कितनी ज्यादा पसंद आई है। और बात करें फिल्म की ऑफिशियल रिलीज की, तो इस फिल्म को ऑफिशियली 16 जून को रिलीज किया जा रहा है। आज इसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है, लेकिन कोविड की सिचुएशन ठीक होने के बाद ये फिल्म मुझे लगता है कि थिएटर में रिलीज की जाएगी। यानी कि फिल्म का भी हमें अभी के लिए वेट ही करना होगा, ठीक हॉलीवुड की रिलीज की गई बाकी दूसरी बड़ी फिल्म की तरह। और तब तक के लिए यही जान लो कि क्या ये फिल्म देखने लायक थिएटर में है भी या नहीं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो क्रिटिक्स की तरफ से जो बात इस फिल्म को लेकर कही गई है, उसे सुनकर पर्सनली मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। नो डाउट ये खबर उन लोगों के लिए भी अच्छी है जिन्होंने इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट देखा है, क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म के सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट से ज्यादा अच्छा बताया गया है। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट से ज्यादा अच्छा बनाया गया पार्ट, जिसमें एक्शन के अलावा कॉमेडी बहुत ज्यादा भर भर कर डाली गई है। और इसके अलावा इस बार की इस फिल्म में वो पूरा का पूरा क्रेडिट, या फिर कहूँ दोनों एक्टर्स को ओवरशाइन करती हुई सलमा हायक आगे निकलती है, क्योंकि उन्हीं के पास इस फिल्म में करने के लिए बहुत कुछ है। बाकी दोनों ही एक्टर अपनी परफॉर्मेंस में भी चार चांद ही लगाते हैं। और फिल्म के विलन एंटोनियो बैंडरीज की बात करें, तो उनकी कंपैरिजन बॉन्ड फिल्म के विलन के साथ की जा रही है, जिसका काम फिल्म में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी कमी को पूरी तरीके से भरने का काम फ्रैंक ग्रिलो करते हैं। बाकी मॉर्गन फ्रीमैन को लेकर कहा यही गया है कि उनका अपीयरेंस इस फिल्म में उतना ही है जितना हमने इसके ट्रेलर और फिल्म के ऑफिशियल पोस्टर में देखा है, लेकिन बाकी के ये चार एक्टर आपका कंप्लीट टाइम पास करने में पूरी तरीके से कामयाब होंगे। और इस फिल्म को देखते वक्त आपके चेहरे पर हमेशा हंसी ही रहेगी। यानी क्रिटिक्स की तरफ से क्लियरली यही कहा जा रहा है कि ये फिल्म आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग की बत्तियों को जलाना शुरू कर दिया, तो फिर ये फिल्म सबसे पहले तो कहानी में ही फ्लैट गिरती है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस में नहीं, क्योंकि कहानी में बताने के लिए इतना ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। यानी कि अगेन यहाँ पर तारीफ फिर से एक्टर्स की ही की जा रही है, और उसके अलावा डायलॉग राइटर की भी। बाकी रियान रेनल्स की फिल्म किस तरीके की होती है, उसकी डिटेल तो मुझे फैंस को देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यही बात क्रिटिक्स ने भी कही है हिटमैन्स बॉडीगार्ड फिल्म को लेकर। और हाँ, एक और बात कहा यह भी गया है कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको फिल्म का पहला पार्ट देखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर्स पसंद है और उनके किए गए फर्स्ट पार्ट में कारनामे भी, तो फिर डेफिनेटली आपको फिल्म का फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए। और रही बात हमारे इंडिया की, तो इस फिल्म के पहले पार्ट को हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज किया गया था, जिसकी हिंदी डबिंग तो मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगी थी। और जब थिएटर्स खुलेंगे, तो नो डाउट इस फिल्म के सीक्वल को भी हिंदी में डब कर थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा, लेकिन सिचुएशन ठीक होगी तो ही, वरना ऑप्शन इस फिल्म के भी ऑन डिमांड ही रहेगी, ठीक स्पाइरल फिल्म की तरह। बाकी इस फिल्म के थोड़े बहुत नेगेटिव रिव्यू भी निकल कर आए थे, जिन पर जबरदस्ती की बात कर मैं आपके मूड को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नेगेटिव सीन से चार क्रिटिक्स के ही है, जिनकी नजर में ये फिल्म फर्स्ट पार्ट की ही तरह टाइम वेस्ट है। लेकिन बाकी जितने भी क्रिटिक्स ने इस फिल्म की तारीफ की है, उन्होंने एक ही बात मेंशन की है कि ये फिल्म एक फन टू वॉच फिल्म है, जो आपके मूड के साथ साथ आपके दिमाग को भी फ्रेश करती है। और यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल्मों को, या फिर कहो ऐसी फिल्मों को एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। और हिटमैन्स वाइफ बॉडीगार्ड फिल्म अब इस फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के अकॉर्डिंग उस लिस्ट में शामिल होती है। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीत शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।